अस्सलाम वालेकुम एजुकेशन टेक टीवी के नाज़रीन, आज हम पढ़ रहे हैं हाफ हेडर। हाफ हेडर हमने अपनी जो पिछली वीडियोज़ हैं उनके अंदर हमने मिनिमाइज़ इक्वेशंस को करना सीखा है कि हमने बड़े बड़े सर्किट्स को इक्वेशंस को कैसे मिनिमाइज़ करते हैं। अब हम इसके अंदर मज़ीद देखेंगे कि हम हाफ हेडर के थ्रू मिनिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। और हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, लाइक शेयर कमेंट कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लें तो दूसरे चैनल दूसरी डिवाइस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं। हाफ एडर के अंदर दो वेरिएबल होते हैं, इनपुट जो हमें मिलेगी ए भी मिलेगा और हमारे पास आउटपुट आएगा सम और कैरी। हम इसके अंदर ये इसका टू टेबल बनाएंगे, अभी देखते हैं कि ये हम इसको कैसे एडर के अंदर करते हैं इस्तेमाल। ये देखिए हमने एक टू टेबल बनाया, ट्रू टेबल के अंदर जी हमें दो इनपुट्स थी ए बी, तो हमने उसका ट्रू टेबल बनाया, सम लिया हमने और कैरी आ गया। सम मैं आपको लेना सिखाऊंगा, कैरी भी कैसे लेना वो भी बताऊंगा। जीरो जीरो प्लस किया जीरो आया, जीरो वन प्लस किया वन आया, वन जीरो प्लस किया वन आ गया। ठीक है, ये सम एज इट इज आ गया, इनका कैरी कोई नहीं जा रहा है अभी, जीरो जीरो। वन प्लस वन करेंगे मैथमेटिकली ये टू बनता है। ओके, इसकी टू की बाइनरी जो होगी वो होगी वन जीरो जीरो, यहाँ पे आएगा वन कैरी चला जाएगा। ये देखिए ये जो सम की वन वन है इनको मैंने इस तरह, ये देखिए ए बार बी प्लस ए और बी बार लिया हमने, और इसी तरह कैरी को ए बी लिया हमने। यहाँ पे ए बार बी प्लस ए बी बार को ए अब्जॉर्ब बी भी कहा जाता है। आए मैं आपको ना सम लेना सिखाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कैरी कैसे। सम मैंने लास्ट में ये इस वाले का हम सम ले रहे हैं इसका, ताकि ये पता चले कैरी और सम कैसे है। इन मैथमेटिकली अगर हम वन वन को प्लस करते हैं तो टू आता है हमारे पास आंसर, लेकिन डीएलडी के अंदर हम जब वन वन को प्लस करेंगे इसका मतलब है वन जीरो, यानी कि टू टू की बाइनरी वन जीरो होती है। ये जो जीरो है ये वाला जीरो, ये हमारे पास सम बन जाएगा और ये वाला जीरो वन जो है हमारे पास कैरी हो जाएगा। ये बस इस तरह करना है और इसी तरह बाकी भी आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए एक स्लाइड ऐड की है एक्स्ट्रा। इसका आगे ये देखिए मैंने लिखा जो एज यू कैन सी फ्रॉम द टेबल, आपने टेबल देखा है जिस हमें आउटपुट हमें एक्स निकली है, जो एस आई है एक्सक्लूसिव और गेट, उसे कहते हैं एक्सोर गेट भी कहा जाता है। टू इनपुट बिट्स हमने किए थे तो हमारे पास आउटपुट जो आई है उसके अंदर हमें एंड गेट लगाया हुआ कैरी के अंदर। तो अभी हम देखें हमारे पास ये दो इनपुट्स हैं ए बी, हमने ये एक्सोर गेट लगाया, ए एक्सोर बी बना और यही हमने ये हमारे पास है सम। ठीक है, हमने ये सम निकाला और ये ए बी हमने जब यहाँ से कैरी निकाला तो ये बना। ये देखें हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी वो ये थी, एक दो तीन चार पांच गेट्स थे, हमने उनको मिनिमाइज करके सिर्फ एक गेट कर दिया, एक्सोर गेट। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर हमने नॉट गेट लगता, फिर यहाँ पे एंड गेट, यहाँ पे और गेट, यहाँ पे एंड गेट, यहाँ पे और गेट, इस तरह गेट्स लगते, ये बहुत बड़ा हो जाता सर्किट बड़ा हो जाता। ये भी ठीक है आप कर लेंगे, लेकिन हम इसे मिनिमाइजेशन कर रहे हैं तो मिनिमाइजेशन के अंदर मिनिमाइज ही करेंगे हम। ठीक है, हमने फिर ये वाला सर्किट बनाया और यह इतना सा काम करने से हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इसके मुताबिक आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगा। अगर हमारी वीडियो पसंद हो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।